ये क्या है? बेटा सदका उतार रही हूँ। मैंने बेटा नमाज में बड़ी दुआ की है तुम्हारे लिए, इंशाल्लाह आज रिपोर्ट अच्छी आएगी। आप कभी माँ नहीं बन सकती हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, लेकिन यही सच है। वो सबात मैम कहाँ है? मैम कुछ बता के नहीं गई, किसी मीटिंग में गई? नहीं, आज तो कोई मीटिंग नहीं थी। तो आपको पूछना चाहिए था ना कि कहाँ जा रही हैं। मैं कैसे पूछ सकती हूँ सर? कहाँ है आप? वो मैं जरा बाहर आई थी। बाहर आई है? मुझे बताना तो चाहिए था, मैं परेशान हो रहा था। बताना भूल गई, याद नहीं रहा मुझे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। मुझे लग नहीं रहा। खैर ऑफिस कब तक आ रही हूँ? नहीं मैं घर जा रही हूँ, ऑफिस नहीं आ रही। क्यों? काम करने को दिल नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, घर पर मुलाकात होती है। जी शफ़ा, हमने बाजार नहीं जाना था, तुमने कल भी इनकार कर दिया। क्या करना है बाजार जाकर? तुमने अपने लिए जोड़ा नहीं खरीदना था? हाँ लेकिन अब नहीं खरीदना। क्यों, अब क्यों नहीं खरीदना? सवेरा पैसे नहीं है मेरे पास, जो थे वो खर्च हो चुके हैं। कहाँ खर्च हो गए? सारा को दे दिए मैंने। क्यों दे दिए तुमने सारा को? यार उसके कॉलेज में फंक्शन था, उसको नया जोड़ा चाहिए था, नए जूते लेने थे, इसलिए उसको दे दिए। नया जोड़ा तो तुम्हें भी लेना था ना? सवेरा मेरा क्या है, मेरा तो काम चल ही रहा है ना। शफ़ा, हम कब तक ऐसे ही गुजारा करते रहेंगे? जब तक हिम्मत है। हमारे घर वाले तो ऐसे ही हमारी हिम्मतें आजमाते रहेंगे, हमारे सब्र का इम्तिहान लेते रहेंगे। कितने का है जोड़ा? बड़ी मुश्किल से 1500 रुपए में लेकर आई हूँ मैं। और ये चप्पल कितने की आई है? ये चप्पल 1000 रुपए में। मतलब सारे पैसे खर्च कर दिए? तो कुछ बचा ही लेती, सस्ती चीजें ले आती। आपको देने के लिए? मुंह पे मारूंगी जूता, तोड़ दूंगी मुंह तेरा, ज्यादा बदतमीजी की तो। ऐसे लगता है तुझसे मैं पिछलों को दे आऊंगी पैसे? तुम लोगों के पेट भरने के लिए ही बचत करती हूँ मैं। आपको क्या पता अम्मी, बाजार में कितनी महंगाई हो गई है, इतनी मुश्किल से तो इन पैसों में ये इतनी अच्छी चीजें लेकर आई हूँ मैं। और आपको पता है मेरी दोस्तों ने तो 1000 की चीजें ली हैं। तो उनके बाप जिंदा है, कमाते हैं, तेरा बाप कब्र में दफन है, मर गया है। जानती हूँ मम्मी। और ये भी जान लो बहुत जल्द मुझे भी मार दोगे। मैंने क्या कर दिया? ऐसा क्या कर दिया मैंने? कोई कसर तो नहीं छोड़ रहे हो मुझे मारने में? अम्मी प्लीज, आप मेरा मूड खराब नहीं करें, आज जाएं यहाँ से। बदतमीज औलाद, हाथ से ही निकल गई है, फजूल खर्च कहीं की। इतनी महंगी चप्पल। प्यारी लगूंगी ना मैं ये पहन के? जल जाएगी आयशा।
बेबी जी ये ले। क्या है? जूस है। मांगा था मैंने तुमसे जूस? वो बीबी जी आप अक्सर घर आने के बाद पीती है ना, तो मुझे अभी जूस नहीं पीना। क्या हुआ इसे? मालूम नहीं बेगम साहिबा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप कभी माँ नहीं बन सकती हैं। डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसा? हौसला रखें मिस सबाहत। बात सुने डॉक्टर, देखिए कि कोई तो इलाज होगा, कोई ट्रीटमेंट। टेक्नोलॉजी अब कितनी एडवांस हो चुकी है। नहीं, कोई मौजा भी हो सकता है। आप नाउमीद ना हो। मंगेतर से मिली हो? मिली थी। बात की तुमने उससे शादी के हवाले से? यार उसके घर वालों को शादी से मसला थोड़ी है, ये तो मेरी अम्मी है जो मान ही नहीं रही। पता नहीं क्या मसला है उन्हें। तुम्हारी अम्मी को क्या मसला है? सवेरा, अम्मी चाहती हैं कि पहले उस्मान की नौकरी हो जाए, उसके बाद शादी करेंगी मेरी। और अगर तुम देखो ना तो एक तरह से सही कह रही हैं वो, मेरे भले के लिए ही सोच रही हैं वो। हाँ ठीक कह रही हैं वो, लेकिन तुम भी तो नौकरी कर रही हो ना, उस्मान भाई को भी नौकरी मिल जाएगी। ससुराल जाकर मैं काम नहीं करना चाहती हूँ सवेरा। क्यों, उन्हें कोई एतराज है? उस्मान ने तो मुझे इजाजत दी हुई है कि मैं शादी के बाद काम कर सकती हूँ। तो मसला क्या है? शादी के बाद मैं घरेलू जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। देखो शफक, शादी के बाद घरेलू जिंदगी से बहुत ज्यादा बेहतर है मोहब्बत वाली जिंदगी। और जब तुम उस्मान से शादी करोगी तुम्हें मोहब्बत वाली जिंदगी मिलेगी जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और वैसे भी तुम अपने घर वालों के लिए भी तो नौकरी कर रही हो ना, उस्मान भाई के लिए भी कर लेना, सिर्फ तब तक जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती। और तुम देखना उनको नौकरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। देखो तुम्हारी सोच अच्छी है लेकिन अम्मी कभी नहीं मानेंगी। अच्छा खैर छोड़ो ये बातें, बहुत देर हो गई है, चलो निकलते हैं। काफी टाइम हो गया। हाँ बशीर, चावल की बोरियां उतरवा ली हैं? ठीक है, हाँ गोदाम में रखवा दो। हाँ 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 मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ओके। चाय ले ले, ठंडी हो जाएगी। हाँ अच्छा, गई थी तुम राबिया की तरफ? हाँ गई थी। फिर उस्मान और शफक की शादी की बात की उससे? मैंने क्या बात करनी थी, वही बातें सुनाती रही मुझे। क्या कहा उसने? अरे भाई कहने लगी कि जब से मैं बेवा हुई हूँ ससुराल में मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया, बल्कि बुरा वक्त पड़ा तो सबने मुंह मोड़ लिया। ऐसा कहा राबिया ने? जी हाँ, और ये भी कह रही थी कि आपने भी कोई मदद नहीं की, रमजान में राशन आ जाता है और 3 जोड़े। राबिया तो है ही हमेशा से नाशुकरी, वरना मजीद के इंतकाल के बाद हमने क्या कुछ नहीं किया उसके बीवी बच्चों के लिए। अरे भाई वो तो सब भूली बैठी है, हमारा तो कोई एहसान याद ही नहीं है उसे। उसके मानने न मानने से क्या होता है,
छोड़ो उसे। तुम ये बताओ कि उस्मान और शफक की शादी की बात की कि नहीं की? की थी मैंने। तो क्या कहा उसने? भाई मुझे तो उसका कोई इरादा शफक की शादी का नहीं लग रहा। कहने लगी कि पहले उस्मान को अच्छी नौकरी कर ले फिर शादी करूंगी, वरना। वरना? वरना क्या मतलब? बस वरना रिश्ता खत्म समझो। हैं? ऐसे कैसे रिश्ता खत्म? जी हाँ, उसका यही इरादा है। अरे गुड़िया गुड्डे का खेल है क्या? खत्म समझे। माँ नहीं बन सकती हूँ। क्या, ये किसने कहा? डॉक्टर ने। क्या वो शोर थी? हाँ। मैंने बहुत मुश्किल से इस घर में ऑफिस में अपनी जगह बनाई है। हौसला करो सबाहत, ये सब कुदरत के काम है। तो कुदरत मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? ओके ओके, अच्छा रिलैक्स हो जाओ और मुझे ये बताओ कि अपने सास को तो तुमने कुछ नहीं बताया। नहीं, अभी नहीं बताया कुछ भी। और बताना भी मत, हर गेस मत बताना। तुम मेरी ये बात याद रखना और ना ही कमाल को बताना, बल्कि दोनों से कह देना ऐसी वैसी कोई बात ही नहीं हुई। बस कहना सब ठीक है, सब नॉर्मल है। समझ रही हो ना मेरी बात? समझ रही हूँ मैं। देखो रिलैक्स हो जाओ, हम दोनों मिलके कुछ सोचते हैं। ओके। अरे calm down, मैं हूं ना, करते हैं कुछ। वो क्या बात कर रही थी आज आप अब्बा से? अरे भाई तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि उस्मान और शफक की शादी की बात करूं मैं राबिया से। हाँ तो अगर चची जान कह रही हैं कि बात खत्म कर दो तो बात खत्म कर देना। तुम हमारी बातें सुन रही थी क्या? अरे कान लगा के थोड़ी ना सुन रही थी, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने ये बात सुन ली कि चची जान कह रही हैं कि रिश्ता खत्म कर दें। आहिस्ता बोलो, तुम्हारा भाई ना सुन ले। सुनता है तो सुन ले, मुझे क्यों डरा रही हैं आप? थोड़ी सी तो प्यारी है शफक और थोड़ा पढ़ लिख गई है ही क्या शफक में? अरे पागल, ये खूबी क्या कम है? 30 से 35 हजार रुपए महीना कमा रही है। अरे आजकल तो लड़के नहीं कमा रहे। बड़ी भोली है अम्मा, भला शादी के बाद वो काम क्यों करेगी? करेगी, उसके तो अच्छे भी करेगी। अच्छा अगर काम करेगी भी ना अम्मी तो वो अपनी सारी कमाई चची जान के हाथ में ला के रखेगी। ये तो तुम मुझ पर छोड़ दो, एक बार शादी होने दो। मैं कह रही थी भाई के लिए मेरी नंद को देख लें, नसीब भी मुझसे दब के रहेंगे। तुम अपने फायदे के लिए अपना भाई का घर बर्बाद क्यों करवा रही हो? और जानती हूँ तुम्हारी नंद को अच्छी तरह, गजबर की जुबान है उसकी। तो शफक का कम है, आप ही के सामने चुपचाप रहती है अम्मी। वो देखा हुआ है उसका असली रूप मैंने, दो हाथ आ गई है मेरी नंद से। पैसा हर ऐप पे पर्दा डाल देता है, उस्मान की शादी तो शफक से ही होगी और वो शादी के बाद नौकरी भी करेगी। देखती हूँ कैसे नहीं करती। खुर्रम जी, आप भी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है आप भी। दिल लगाकर पढ़ो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। दरअसल आप भी, कुछ बुक्स लेनी थी मैंने। कौन सी बुक्स? तुमने कोर्स की तो सारी बुक्स ले ली थी ना? आपकी ले तो ली थी मैंने, लेकिन ये कुछ नई बुक्स आई और मैंने सुना है कि इनको पढ़ने से अच्छे नंबर आ जाते हैं। अच्छा कितने की आएंगे? यही कोई 4,000। 4,000? इतनी महंगी? आप ये, मैंने तो हर जगह से पता कराया, सबसे सस्ती इसी बाजार में मिल रही हैं।
तुम कहीं से पुरानी किताबें नहीं ले सकते क्या? आप ही इसी साल बुक्स पब्लिश हुई हैं, पुरानी किताबें कौन रखता है? अच्छा मैं करती हूँ इंतजाम, तुम बस दिल लगा कर पढ़ो। जी आप ही। वालेकुम सलाम। बेटा आज आने में देर करती? जी अम्मी बस ऑफिस में काम बहुत था, सबात भी चली गई थी ना ऑफिस से, इसलिए। सबात क्यों जल्दी आ गई थी ऑफिस से? पता नहीं, कह रही थी कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा कोई बात है, परेशान लग रही थी, आती कमरे में चली गई। मैं जब गई उसके दरवाजे पे तो दरवाजा बंद था, मैंने समझा सो रही है तो डिस्टर्ब नहीं किया। बेटा देखो जरा जाकर। मैं जाकर देखता हूँ। सबा जी क्या हुआ? चेक। इधर देखो मित्र, क्या हुआ? मुझसे किसी बात पे नाराज है? आपसे नाराज क्यों होंगे? अम्मी ने कुछ कहा है? नहीं तो फिर से झूठ बोल रही है। मैं भी अम्मी से पूछ कर आती हूँ। नहीं झूठ नहीं बोल रही हूँ आंटी, ने कुछ नहीं कहा मुझे। यहाँ बैठ। तुम मुझे बताएं कि रो क्यों रही हैं? मामा की याद आ रही थी। आज पापा जिंदा होते तो कितना खुश होते, मुझे मेरे बिजनेस में इतना कामयाब देखकर। आपको पता है सबा, बाबा अभी भी आपको ऊपर से देख रहे हैं और उदास हो रहे होंगे कि मेरी बेटी रो क्यों रही। अच्छा चले जल्दी से कपड़े चेंज कर ले, मैं आपको बाबा की कब्र पे लेकर जाता हूँ। नहीं नहीं कमाल, वहां जाकर बाबा और याद आने लगते हैं। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं कि हम कहीं बाहर चलते हैं, आपका मूड ठीक हो जाएगा। नहीं बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। क्यों? अब हर वक्त आपके नहीं चलेगी। चले उठे, चले शाबाश, मैं कह रहा हूँ ना, चले उठे, चले आ जाए, आ जाए, जल्दी से तैयार हो जाए। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी अम्मी बताएं। वो अपनी नजमा है ना, वो कल मिली थी, पूछ रही थी कि शफक बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देगी। अम्मी आप फौरन मना करते हैं। क्यों मना कर दूं? क्या हो गया अम्मी, मैं कहां से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, मेरे पास कौन सा वक्त है? क्या हो गया तुम्हें, वक्त ही वक्त है, शाम को फारिग तो होती है। मैं थकी भी होती हूँ उस वक्त में अम्मी। शफक घंटे दो घंटे की तो बात है, मैंने कह दिया उसको कि हाँ पढ़ा देगी, बल्कि मैंने साथ ये भी कहा है कि मोहल्ले के दो चार बच्चे और पढ़ना चाहें तो उन्हें भी भेज देना, अच्छा है ना, चार पैसे बन जाएंगे। मैं आप ठीक तो हैं? क्या गलत कर दिया मैंने? ये सब नजमा आंटी ने नहीं बल्कि आपने नजमा आंटी को बोला होगा। चलो मैंने बोला, क्या गलत किया? घर का सोचा ना, चार पैसे आ जाएंगे। बिल्कुल घर में चार पैसे आएंगे, लेकिन जो आपने मुझे दो टके का करके रखा हुआ है उसका क्या? देख शफक मुझसे ज्यादा किताबी बातें मत कर, जिंदगी किताबी बातों से कहीं ज्यादा तल्ख है। क्यों बावली हो रही हो? फिक्र मत करो, ये सारा है ना, उनको सबक ये पढ़ा देगी, कॉपियां शॉपियां तुम चेक कर लेना। क्या बोल रही है अम्मी, मुझसे कोई उम्मीद मत लगाइएगा, मैं कोई अपना सर नहीं खपाऊंगी बच्चों के साथ। अरे इसको तो घर की जरा परवाह नहीं है, बेटी हो तो शफक जैसी, मेरी शफक जैसी बेटी तो हो ही नहीं सकती किसी की, और आप जैसी माँ भी किसी की नहीं हो सकती। अरे मेरी सारी औलाद अपने बाप पर गई है,
उसको भी हमेशा मुझसे ही गिले रहते थे, मेरे अंदर ही कीड़े नजर आते थे, उसको भी मैं ही बुरी थी। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं कर दूंगा। ओके। हाँ हाँ, मैंने कह दिया है ना। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो उस्मान, कब मुलाकात हुई थी तुम्हारी शफक से? काफी दिन हो गए। तब से कहो ना अपनी माँ से बात करें शादी के लिए। उसे की थी बात, असल में चची जान मान नहीं रही, अब वो क्या कर सकती? क्यों नहीं कर सकती भाई, दबाव डाले अपनी माँ पे। मी जान, आपको इतनी जल्दी क्या है शादी की? तो देर क्यों करनी है, कितने साल हो गए मंगनी को। लोगों की बचपन में मंगनी हो जाती, जब वक्त आता है तो शादी भी हो जाती। वक्त कब आएगा, तुम अपनी उम्र देखो और शफक की भी। फिलहाल मुझे नौकरी है नहीं, शादी के बाद खर्चे मैं कैसे पूरे करूं? बेटा शफक कमा रही है ना, वो उसकी अलग बात है। क्यों अलग बात है, मियां बीवी की एक ही बात होती है, वो कमाई है तुम कमाओ, क्या फर्क पड़ता है? मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी बीवी नौकरी करे। अभी भी तो कर रही है ना, वो मजबूरन कर रही, वो अपने घर को सपोर्ट करती है इसलिए नौकरी करती है। अच्छी बात है, अब ये उसका घर है वो नहीं है। अम्मी, जितनी लालच का मुजाहरा आप कर सकती हैं ना, मैं नहीं कर सकता। बात ही सुनो सर, इसकी मैं तो इसकी भलाई की बातें कर रही हूँ, मुझे ही लालची कह रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या किस्मत पाई है शफक ने, अभी ब्याह के घर में आई नहीं और शौहर देखो कैसी तरफदारी कर रहे हैं उसकी। एक हमारे शौहर है, कहते हैं किसी स्कूल में उस्तानी लग जाओ, चार पैसे आ जाएंगे घर में। वैसे तुम अपने घर कब जा रही? चली जाऊंगी अम्मी, भी पिछले हफ्ते ही तो आई हूँ। अरे भाई मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अब्बू से पूछ लें कब जाऊंगी। मैम, आज की मीटिंग के हवाले से आपको अपडेट करना था। आज की मीटिंग नहीं हो सकते जी, कैंसिल कर दो से। लेकिन क्यों? मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मीटिंग अटेंड कर सकूं। आगे समझ, कैंसिल इट। ओके मैम। कहाँ था भाई तू, कब से इंतजार कर रहा हूँ यार मैं तेरा। यार बाइक के जाने का इंतजार कर रहा था, वो कहीं आगे पीछे होगा तो उसकी बाइक लेके आऊंगा ना। ऐसा कब तक चलेगा, तू अपनी बाइक क्यों नहीं ले लेता यार? यार वही टोपी, अब मैंने बोला इम्तहान में अगर अच्छे नंबर ले आया तो बाइक लेके दे दूंगा। और तेरे अच्छे नंबर तो आने नहीं है। खैर ये बता कहाँ चलना है? यार 4,000 है मेरे पास, अब देखते क्या करना। 4,000 कहाँ से उड़ाए हैं? वही पुरानी टोपी मेरी जान, बहन को बोला मैंने बुक्स लेनी है, बहन ने पैसे दे दिए, तेरे भाई ने ले लिए। ये कौन सा तूने कोई पहली दफा झूठ बोला है? हाँ यार तू जानता है मुझे यार, जब तक जेब में पैसे ना हो ना तो जिंदगी गुजारने में मजा नहीं आता अदनान। हाँ यार ये तो है, और बता फिर कहाँ चल रहे हैं? यार रोड के उस पार सोसाइटी है ना, सुना है कोई नया क्लब ओपन हुआ है, वहाँ उधर जाते हैं तफरी करते हैं। हाँ यार वहाँ का तो 500 रुपये का टिकट है। तो सही है ना, 500-500 हजार, बाकी बचे 3,000 उसकी अयाशी करेंगे। नए काम में देरी कैसे, चल बाइक स्टार्ट करते हैं। शफक ये देखो। ये क्या है, किसी इंस्टीट्यूट में बहुत ही कम पैसों में ना कंप्यूटर कोर्स करवाए जा रहे हैं, मैं तो कहती हूँ कर लेते हैं। सुनो टाइमिंग्स क्या है इनके? हफ्ता इतवार 1 घंटे की है सिर्फ। टाइमिंग्स तो अच्छे हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है फिर, तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरी मानो तो कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। चलो ठीक है फिर कर लेते हैं, क्या पता कोई फायदा ही हो जाए। यकीनन फायदा है इसमें, तुम्हें पता है आजकल रेगुलर स्टडीज को कोई नहीं पूछता, साथ में ना कुछ करना ही पड़ता है फिर ही इंसान कामयाब होता है। हाँ यार तुम कह तो ठीक रही हो वैसे। ये देखो इसमें और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हफ्ते को चलें फिर। चलते हैं। डन।
हाय हाय, क्या है? आपको न्यू कराची जाना है ना? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने देखा है आपको वहां। चलिए बैठिए, आपको छोड़ दूं। जाओ यहां से, गर्मी भी इतनी है और बस का भी कुछ पता नहीं कि कब आए, कब तक ऐसे इंतजार करेंगी। चलिए बैठिए, आपको छोड़ दूं। अरे भाई मैं शरीफ लड़का हूं, मेरी बहन भी आपके कॉलेज में पढ़ती है, ऐसा नाम है उसका, फिकर ना कीजिए, बैठ जाइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ठीक है, इतना इसरार कर रहे हो इसीलिए चल लेती हूँ। बैठ गई, चले। सबा जी, क्या हुआ, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल कर दी? जी लेकिन क्यों? मैं कुछ अपसेट थी इसलिए। मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ कि आप परेशान और मुझे भी परेशान कर रहे हैं और कुछ बता भी नहीं रहे। कुछ नहीं, कुछ तो बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं और बता भी नहीं रही, और इसकी टेंशन अकेले ही लिए जा रहे हैं आप। बोलिए ना, क्या बात है? मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। वो मैं बोलिए, क्या बात है? हरगिज़ मत बताना, तुम मेरी ये बात याद रखना। कुछ नहीं ऐसे। अरे क्या कुछ नहीं, बताए ना मुझे क्या बात है। गेस, आप कुछ अपसेट हो इसलिए पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब बोली जा रही हो। अच्छा आप एक काम कर, घर जाकर रेस्ट कर ले, यहाँ पर मैं सब देख लूंगा। हाँ मैं कुछ देर में चली जाऊँ। चलें, जैसे आपकी मर्जी। यहाँ यही उतार देना बस। यहीं पर? हाँ हाँ बस बस बस, थैंक यू। आपका घर कहाँ है? मेरा घर तो वो आगे वाली गली में। ओ, वैसे मेरा नाम शयान है। मेरा नाम सारा। सारा, वैसे कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? मेरा नंबर, लेकिन आपको क्यों चाहिए? क्योंकि मैं आपको रोज सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेजेस किया करूंगा। ठीक है वो तो, लेकिन आप मुझे ज्यादा तंग तो नहीं करेंगे? हरगिज़ नहीं। चलो ठीक है फिर, लेके मैं ना। एक मिनट रुकिएगा, मोबाइल तो निकाल लो, आप बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अब मैं चलता हूँ और आपको रोज सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज जरूर करूंगा। जरूर। सबाहत जी, आज फिर तुम ऑफिस से जल्दी आ गई हो। जी क्या हुआ है? नहीं कुछ भी नहीं। कुछ टेंशन में लग रही हो? नहीं तो कुछ। हाँ याद आया, आज तो तुम्हारी रिपोर्ट आनी थी, आ गई?
जी क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ खास नहीं, डॉक्टर ने कहा कि सब नॉर्मल है, कुछ महीने के इलाज से सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या वाकई सच कह रही हो ना? जी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। अब मुझे उम्मीद हो गई है कि इस घर में भी पोते पोतियां खेलेंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेजूं? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगे। फिक्र नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, तुम्हारी उस्तानी आ गई। अस्सलामुअलैकुम मिस। अम्मी ये तुम्हारे बच्चे हैं ये, जिनको तुमने ट्यूशन पढ़ानी है। देखो कितने प्यारे हैं। क्यों ना? मैं अपनी बेटी के लिए पानी लेकर आती हूँ, बाहर बहुत गर्मी थी ना, तुम उतनी देर इनसे बातें करो। अम्मी मैं आती हूँ अभी। उस्मान बस मुझे नहीं रहना मजीद उस घर में, ले जाओ मुझे वहां से जल्द से जल्द। क्यों शफ़क, क्या हुआ? उस घर में किसी को मेरा कोई एहसास नहीं है। सारा या खुर्रम ने कुछ कहा है तुमसे? सारा या खुर्रम कुछ कहते तो मुझे शायद इतना दुख नहीं होता, लेकिन अम्मी वो भी किसी से कम नहीं है। क्या क्या कहा चाची जान ने तुमसे? शफ़क कुछ तो बोलो, क्या कहा है उन्होंने? मैं नहीं बता सकती, क्या करूं, अम्मी की शिकायतें करूं बैठ के तुमसे? तुम्हें पता तो है कैसी है वो, तुम प्लीज कुछ ना कुछ करके जल्द से जल्द मुझे वहां से ले जाओ बस। शफ़क चाची जान नहीं मान रही, वरना मेरे घर में तो सभी राजी। हाँ तो कर दो ना उनका एतराज, दू तुम जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढ लो उस्मान, प्लीज। कुछ ना कुछ करता हूँ मैं, और प्लीज शफ़क तुम्हारे आंसू मुझे देखे नहीं जाते। तुम ढूंढ लोगे ना नौकरी? हाँ बाबा मैंने कहा ना मैं ढूंढ लूंगा, और प्लीज अब रोना बंद कर, मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखेगा। चलो मैं तुम्हें अच्छी सी आइसक्रीम खिलाऊं, लेट्स गो। चलो चलो, अरे आओ ना और रोना बंद करो प्लीज, लेट्स गो। बेगम साहिबा, ये ड्राइवर ने दिया है, दो दिन से गाड़ी में रखा हुआ है, शायद कमाल साहब या सबात बीबी का है। अच्छा ठीक है। शाहिदा, शाहिदा। जी बेगम साहिबा। सबात को भेजो मेरे पास। ठीक है बेगम साहिबा। जी आंटी आपने बुलाया? हाँ, कल तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने आपको बताया था, डॉक्टर कह रही थी कि कॉम्प्लिकेशंस हैं लेकिन ट्रीटमेंट के बाद सब ठीक हो जाएगा। कब तक? चंद माह तक। और अगर चंद माह तक भी ये ठीक ना हुआ तो क्या झूठ बोलोगी सबात? जी फिर क्या झूठ बोलोगी मुझसे, कमाल से? ये आप क्या कह रही हैं? जो तुम मुझसे छुपा रही हो। मैं समझी नहीं। ये क्या है? ये आपको कहां से मिली? जहां तुम इसे भूल गई थी। तुमने मुझसे झूठ बोला सबात कि सब ठीक है, इलाज हो रहा है। इसमें साफ लिखा है कि तुम कभी मां नहीं बन सकती।